हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस के स्टार्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मानव द्वीप आयरलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, मानव द्वीप यानी आयरलैंड ऑफ मैन, यह उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है और मानव द्वीप यह इंग्लैंड के मध्य आयरिश सागर में 572 वर्ग किलो क्षेत्र में फैला हुआ एक द्वीप है जो इंग्लैंड के प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत स्वशासित क्षेत्र है, जिसकी राजधानी डगलस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 घंटे और 26 मिनट। देखिए, किसी उच्च ज्वार भाटाओं में अंतराल होता है 12 घंटा 26 मिनट। और ज्वार भाटा क्या होता है? तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठते तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं, और सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहा जाता है, और सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने यानी सागरी की ओर भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। देखिए, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में, और पैसिफिक ऑफ फायर में कुल 452 ज्वालामुखियों का घर है, यानी दुनिया के सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी का 75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा। देखिए, परमाणु ऊर्जा एक परंपरागत ऊर्जा है जो अंततः खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक पवनों का उदाहरण है डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी, संवहन। देखिए, व्यापारिक हवाएं वह हवा है जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से या दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर में लेह। देखिए, औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है और राजस्थान के जैसलमेर और लद्दाख के लेह जैसे शहरों में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी पर। देखिए, जल चक्र पृथ्वी पर मौजूद है और जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच जल के परिसंचरण को जल चक्र का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जीव मंडल रिजर्व यानी नंदा देवी यह यूनेस्को में शामिल है, किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार का है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। देखिए, अटलांटिक महासागर यह अंग्रेजी अक्षर यस के आकार जैसा है, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, पवन वेग मापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 33.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से है और ऑपरेशन फ्लड इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन और श्वेत क्रांति इसका नाम दिया था, और यह कार्यक्रम 1970 के दशक में शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बाघ राज्य किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कनेरिया मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, खजुराहो में। देखिए, कनेरिया मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। देखिए, विश्व की सबसे तेज प्रवाहित होने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम है और यह एक गर्म जलधारा है, जब यही जलधारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से प्रवाहित होते हुए यूरोप पहुंचती है तो इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणता की मात्रा सर्वोच्च है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मृत सागर में। देखिए, मृत सागर को पृथ्वी पर सबसे अधिक खारे जल निकाय के रूप में जाना जाता है और जल में अधिक मात्रा में मौजूद नमक की वजह से इसका घनत्व सब बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गंडक से। देखिए, त्रिवेणी नहर में भारत के बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर, जो गंडक नहर के बाएं तट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है लेक सुपीरियर, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 82,100 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसाल्टी लावा कहाँ पर पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्कन ट्रैप में। देखिए, बेसाल्टी लावा यह दक्कन के पठार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका में। देखिए, सवाना चारागाह यह अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः डैश की मौजूदगी में होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजने वाला चालीसा डैश यह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी पवन से। देखिए, गरजने वाला चालीसा यह शब्द संबंधित है पश्चिमी पवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? सो फ्रेंड्स,
इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।